हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक आईडी जो की है सेल पे। आई होप आपको तो हम याद ही है। कौन है तुम? सबसे पहले तो सॉरी, जो मैं एक महीने से यूट्यूब पे अनएक्टिव था, बट काम ही कुछ ऐसा पड़ गया था जिसके कारण कि मेरे को अनएक्टिव होना पड़ा। तो आज के बाद तो पूरी कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आए। तो चलिए इस मुलाकात को पीछे बुला लेते हैं और शुरू करते हैं एक नई वीडियो एंड स्माल इंट्रो के साथ। सो दोस्तों, आज हमारे पास जो आईडिया अवेलेबल है उसका लेवल है 71। तो सबसे पहले तो हम ड्रेस की कलेक्शन से हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास अल्फा फ्लेम बर्न वाला बंडल भी इस आईडी में अवेलेबल है और इसी के साथ ये मैजिक क्यूब वाला बंडल है, जोकर वाला बंडल जो कि मैजिक क्यूब में आया था। किसी ज़माने में ये भी बहुत रेयर था। ये आइस एज वाला बंडल भी हमारे पास अवेलेबल है, ये रैंक टोकन वाला। और ये बंडल भी है जो है मैजिक क्यूब में अवेलेबल था। बैंडिस बंडल भी मैजिक क्यूब वाला बंडल है और ये लक रॉयल इलाइट पास सभी का कम्बिनेशन इस आईडी में पड़ा हुआ है। ये तो रेयर वाला इलाइट पास अब कह सकते हैं हम इसे, और कुछ इलाइट पास जो है नए नए आए हुए हैं। ये बंडल भी मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा ओपी दिख रहा है। अब आप डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के बंडल्स पसंद है और किस टाइप के नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये जो आईडी हमारे पास है अवेलेबल है वो एकदम से ओपी वाली अवेलेबल है। और इस आईडी का रेट जो है हम आगे वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको भी अपनी आईडी मेरे से सेल करवानी है तो आपका जो लेवल है 65 से ऊपर होना चाहिए। तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अपनी तरफ से। जैसे कि आपको तो पता ही है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। अगर आपकी आईडी में कलेक्शन एकदम से ओपी होगी तो आपकी आईडी एक तो जल्दी बिकेगी और एक तो अच्छे रेट में बिकेगी। अगर आपकी आईडी में कलेक्शन जो है कम है तो आपका रेट भी जो कि लो हो जाएगा। तो आपकी जो कलेक्शन है आईडी में वो ज़रा सा लो है तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है और वो मार्केट में ज़्यादा देर तक टिकती है, मतलब कि उतना अच्छा रेट आपको मिलेगा नहीं। बाकी इस आईडी की बात करें जो अभी चल रही है, तो इसमें तो अच्छी है सीज़न 10 की शार्ट। बाकी यहाँ पे मेरे को अच्छा बंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीज़न हमें 11-12 की भी शायद इसमें शार्ट देखने को मिलेगी। और जो ये आईडी है बहुत ही मेरे को पुरानी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये जो था ये शायद से इंक्यूबेटर का बंडल था और ये तो अभी शायद से स्टोर में अवेलेबल है ये वाला बंडल। बाकी ये तो लक रॉयल का बंडल है। बाकी तो एकदम से आईडी ये कौन सा बंडल है, ये भी उधर उसका ये शायद से ये तो टाइगर वाला बंडल आ गया, एकदम से ओपी वाला बंडल। देखने में ओवरऑल जो आईडी है मेरे को एकदम से अच्छी दिख रही है। यहाँ पे बंदे ने इसमें टापा वापा भी बहुत सारा किया हुआ है जहाँ तक मेरे को देखने को लग रहा है। बाकी देखा जाए तो एकदम से ओपी वाली आईडी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये ऊपर ऊपर से देखते जाओ क्योंकि शार्टू को तो यहाँ पे कोई पूछता तक है नहीं। बाकी कोई उतना मतलब पहनता वहनता है नहीं। तो बाकी देखा जाए तो अदर्स में तो यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल भी निकाला हुआ है और निंजा वाले दो बंडल भी है, जो कि निंजा वाला जो ये वाइट वाला मेरे को बहुत ज़्यादा ओपी लगता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे गन कलेक्शन से, और गन कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मेन है। M4A1 ओपी स्किन, अगर एक की बात करें तो लेवल 6 तक इसने पहुँचा दी है, जो कि एकदम से बढ़िया देखने को हमें मिल जाएगी। और बाकी भी अच्छी गन स्किन्स देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। XM8 जो है, XM8 भी अच्छी है, गोरेजा अच्छी है, N94, उसके बाद AUG एंड पैराफील की जो है वो भी एकदम से अच्छी गन स्किन देखने को मिलेगी। और उसी के साथ यहाँ पे ये गन्स SKS ACAT मशीन गन में भी अच्छा मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम मेन करें SMG का, तो SMG में तो MP40 टॉप वाली निकाली हुई है, साथ में कोबरा भी है, तो देखा जाए तो अच्छा है। और इसके साथ वेक्टर की भी लेजेंडरी गन स्किन। और शॉट गन में तो M1887 से अच्छी गन स्किन तो देखने को मिली नहीं क्या, और वो वन पंच मैन भी है यहाँ पे अवेलेबल। और स्नाइपर का कम्बिनेशन जो है वो भी एकदम से ओपी वाला कम्बिनेशन इस आईडी में मेरे को देखने को मिल रहा है। और पिस्टल तो किसी काम का नहीं। और यहाँ पे हम मिल्क की बात करें तो यहाँ पे पैन परंग बैट की भी 10 9 8, उसके बाद फीस्ट भी यहाँ पे निकाली हुई है। ग्रेनेड की 14 स्किन है, यहाँ पे मेरे को ग्रेनेड भी अच्छे दिख रहे हैं और मस्त नेड है। और ग्लू वाल की बात करें तो ज़्यादातर मेरे को शायद से टॉप ऑफ वाली ग्लू वाली देखने को मिल रही है। कुछ फ्री वाली भी है बट टॉप ऑफ वाली ज़्यादा है, अदर्स का तो कुछ काम है नहीं। तो अब हम इमोट्स की बात करें तो इस आईडी में इमोट्स यहाँ पे कौन कौन से निकाले हुए हैं। ये हार्ट वाला इमोट निकाला हुआ है, लोल
और बहुत ही अच्छे अच्छे इमोट है यहाँ पे। कुछ इलाइट पास वाले इमोट देखने को मिल रहे हैं, कुछ फ्री वाले इमोट देखने को मिल रहे हैं, कुछ इवेंट कंप्लीट करने पे आए हुए हैं और कुछ लॉगिन या किसी और इवेंट पे अवेलेबल हुए हैं। बट देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा ही है और एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा ओपी साइडी में। अगर बैक पैक की बात करें तो इसमें अच्छे मतलब बैग्स हमें देखने को मिल रहे हैं और रेयर बैग्स भी देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो ओपी बैक पैक्स यहाँ पे हैं। और उसी के बाद अगर लूट पैक्स की बात की जाए तो लूट पैक्स भी मेरे को अच्छी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो ओपी लूट पैक्स है, वही सभी का कॉम्बिनेशन ऑल ओवर, कुछ फ्री और पैराशूट में भी कुछ लाइट पास, कुछ फ्री वाले, कुछ इवेंट कंप्लीट करने वाले, कुछ लॉगिन पे वगैरह वगैरह, और वही हिसाब जो है सब बोर्ड का है। और अब आईडी की कलेक्शन दिखा रहे हैं तो ये दिखाना भी हमारा फ़र्ज होता है। और इसी के बाद व्हीकल की बात करें तो ओपी वाला कम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इस आईडी की प्राइस की बात करें तो इस आईडी का प्राइस है 5000 और आप बता देना कि आईडी की कलेक्शन से ये जो प्राइस है ये सही है या नहीं। तो बाकी आप में से किसी को भी ये आईडी अगर सेल करनी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले, और जिसने भी अगर आईडी सेल करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।